अब मैं पहुंच गई अपना किचन गार्डन में। अब मैं यहाँ से धनिया के पत्ती लेने आई हूँ। अब मैं सारे पनीर के छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। ये मेरा मटर पनीर कितना अच्छा, कितना लाजवाब बना है। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी भारतीयम। आज मैं मटर पनीर की सब्जी बनाने चल रही हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे बनता है, चलिए मेरे साथ। अब मैं पहुँच गई अपना किचन गार्डन में। अब मैं यहाँ से धनिया के पत्ती लेने आई हूँ। ये देखिए मेरा धनिया कितना अच्छा है, हरा हरा है। मैं यहाँ से अब धनिया तोड़ लेती हूँ। बहुत मस्त आ रहा है, बहुत अच्छा है खुशबू इसका। ये देखिए अब मैं इतना सारा धनिया तोड़ ली हूँ, इतना काफी है सब्जी के लिए। मटर पनीर बनाने के लिए 300 ग्राम मटर है, थोड़ी हरा धनिया है, 250 ग्राम पनीर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, 5 प्याज है, छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 5 टमाटर है, आधा छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, 4-5 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा लहसुन का है, अदरक, थोड़ी सी धनिया की डंडी है, 4 चम्मच सरसों तेल, 1 पिंच हींग, 2 चम्मच क्रीम, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी साबुत गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए अब मैं पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। पहले आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा साइज काट सकते हैं। अब मैं सारे पनीर के छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। ये देखिए अब मैं सारे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। अब मैं टमाटर काटने चलती हूँ। अब मैं टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। ये अदरक मिर्च का भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। एक कढ़ाई ली हूँ, देखिए मैं गैस जला रखी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 लीटर पानी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सारे मटर। अब इसे मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। अब मेरा ये 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया इसमें। अब मैं इसे देख लेती हूँ। अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूँ और इसे छान लेती हूँ। ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला रखी हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं पानी, इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। अब मेरा पानी ये गर्म हो चुका है। इसे अभी मैं ढक के रख देती हूँ। यही अब गरम हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। इस पानी में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसे अब ढक करके रख देती हूँ। मेरा तेल गरम हो चुका है। मैं डाल रही हूँ इसमें पनीर। अब मैं इसे थोड़ा पलट लेती हूँ, ज्यादा नहीं भूनना है इसे। अब
मेरा पनीर हल्का गोल्डन कलर का हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब सारे पनीर को मैं डाल लेती हूँ। अब इसे भी अलट पलट के थोड़ा गोल्डन लाल कर देते हैं। अब मेरा ये पनीर भून चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं सारे पनीर को गुनगुने पानी में डाल देती हूँ। इससे मेरा पनीर सॉफ्ट रहेगा। आप ज़्यादा गर्म पानी में मत डालिएगा, गुनगुना ही रहे तब डालिएगा। कि मेरा जो तेल बचा हुआ था मैं उसी तेल में डाल रही हूँ सारे लहसुन की कली। साथ में डाल रही हूँ ये प्याज। इसे 2 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं सारे टमाटर। अब मैं डाल रही हूँ हरा मिर्च, अदरक और थोड़ी सी डंठल, धनिया की पत्ती का डंठल है ये। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये मेरा 5 मिनट हो गया है। आप बीच में भी चेक कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा अच्छी तरह से भून चुका है। अब टमाटर में से भी ये छिलका उतर रहा है। ये देखिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मेरा ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे पीसने चल रही हूँ। अब मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। अब मेरा ये पीस गया है। ये ऐसा बारीक पीसना है इसे। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये मेरा देखिए ऐसा पीसा है। चलिए अब मैं बनाने चल रही हूँ। अब मेरा कढ़ाई गरम हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये मेरा 2 चम्मच सरसों तेल है। इसमें मैं डाल रही हूँ सारे खड़े मसाला, जीरा, छोटी बड़ी इलायची, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी। इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग। गैस कम करके बनाइएगा। ये है हल्दी, ये है धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है देगी लाल मिर्च जिससे इसमें कलर आएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसे 1-2 मिनट भूनना है। गैस कम करके भूनिएगा। अब मैं डाल रही हूँ ये टमाटर प्याज का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। इसे गैस कम करके भूनिएगा। अब मैं सारे पनीर को अच्छी तरह से छान लेती हूँ। सारे पनीर को छान ली हूँ। इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। गैस कम करके भून दीजिएगा। अब मेरा ये 10 मिनट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच मलाई। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ।
मैं डाल रही हूँ इसमें सारे मटर। इस तरह से भूनना है। ये देखिए मेरा अच्छी तरह से ये भून चुका है। ये पनीर वाला पानी है, ये आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। अगर आपको रोटी पराठा के साथ खाना है तो कम डालिएगा, अगर चावल के साथ खाना है तो ज़्यादा डालिएगा। मैं कम डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कस्तूरी मेथी। इसे हाथ पर अच्छी तरह से मसल करके डालना है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। अब मैं देखिए 5 मिनट हो गया। ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ सारे पनीर। अब इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, ज्यादा कम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आप मेरा वीडियो में नया जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अब डाल देती हूँ इसमें सारे गरम मसाला। ये साथ में धनिया पत्ता। अब मेरा मटर पनीर बन करके रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और सर्व करने के लिए चलती हूँ। ये मेरा मटर पनीर कितना अच्छा कितना लाजवाब बना है। अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। थोड़ा अदरक ली हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ती है, मैं अदरक से थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। बारीक बारीक कटा हुआ है ये धनिया का पत्ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं मीनाक्षी भारतीय मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।